मैं विनती करता हूँ, मधुओं अगर मेरे बारे में और भी कोई भी छोटी मोटी भी जानकारी अगर मेरी योग्य होगी या नहीं होगी अपन फंक्शंस के बाद में निश्चित रूप से शेयर कर देंगे। थोड़ा समय का अभाव है आपके और हमारे बीच में। मैं चाहता हूँ कि जीतू के रूप में जो नव क्रांति का बीज आया है उसके संबंध में कुछ ज़्यादा चर्चा क्षमा चाहते हुए मेरी बात को आप ऑर्डर करें, मैं स्टार्ट करूँ। आप सभी के दिलों में विराजित प्रकाश दीप परमात्मा को कुछ शब्द समर्पण करते हुए मेरी बात को प्रारंभ करूंगा। श्रवण संस्कृति के अमर देवता, अप्रतिम साधना के साधक, अलौकिक आत्मा के स्वामी, आत्मा से परमात्मा बनाने की राह दिखाने वाले अद्वितीय वितराग के धारक, अप्रतिम साधना के साधक, अध्यात्म के शिखर, आस्था व श्रद्धा के अनुपम प्रतीक, तप व संयम के पथ प्रदर्शक, करुणा व क्षमा के संवाहक, क्षमता शांति व सस्तित्व की प्रतिमूर्ति, हम सब के आराध्य, जन जन के सिंधु, अहिंसा के उद्घोषक श्री प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में सतस्व। सम्मानित मंच, गरिमामय अति सम्मानित सदन, मैं आपके आपको चार पंक्तियां समर्पित करता हूं। जगति में सर्वोत्तम मंगल धर्म सभा कहलाया, तप संयम और अहिंसा यही धर्म की काया, धर्म त्रिवेणी में बना अनुरक्त जिनका मन, उनके चरणों में देवों का भी कोटि कोटि वंदन बनवाओ। आइए गजी एक किसे कहना चाहिए जी जी विशा के साथ समाज के जागरूक रहने युवा शक्ति जोश और हौस का सुंदर समन्वय और मिश्रण में देखता हूं। तो बंधुओं आप लोगों के पर्टिकुलर संस्कार को समर्पित करते हुए आगे बढ़ूंगा कि नैतिक मूल्यों से आप प्रावित जिन शासन के प्रति जनून और जज्बा रखने वाले अहिंसा के उपासक और यहां तक कि चीटी को भी देखकर चलने वाले मेरे स्वधर्मी बंधुओं, पुनर्जीतो अपेक्स आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिवादन करता है, अभिनंदन करता है। अब बंधुओं आपके मन में निश्चित रूप से एक शंका होगी, एक प्रश्न होगा, एक जिज्ञासा होगी, एक विचार मन में उमड़ रहा होगा कि जीतो क्यों बना, जीतो की क्या आवश्यकता थी, जीतो की चेतना क्या है, जीतो की संविधान क्या है, जीतो क्या चाहता है, जीतो के लक्ष्य क्या है, जीतो का विजन क्या है, क्यों इतने कम समय के अंदर जीतो की आहट और पच्चाप पूरे संपूर्ण राष्ट्र के जैन समाज में सुनाई दे रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो ऐसी जीतों के बारे में क्या जानकारी है, जीतों क्यों बना, बंधुओं में आपसे विनम्रता से शेयर करता हूं। किसी भी समाज का आकलन अगर हम सही निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें तो तीन बिंदुओं पर आधारित होता है कि हमारी राष्ट्र के परिमंडल में, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हमारी सहभागिता क्या है, हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, किन कार्यों के लिए समाज जाना जाता है, क्या हमारी कार्य क्षमताएं हैं। बंधुओं अगर इन तीन बिंदुओं के मौलिक प्रश्नों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम अगर पहले अतीत में जाना चाहेंगे, अगर अतीत में हम जाना चाहते हैं तो जैन समाज कितना गौरवशाली था, हमारे सभी क्षेत्रों में किस प्रकार की उल्लेखनीय भूमिकाएं थी और आज हम कहां हैं, इन्हीं सब बिंदुओं के बीच में ये जीतों की परिकल्पना ने एक साकार रूप लिया और संपूर्ण राष्ट्र को झकझोर करके एक अजीब ताकत और तेजस्वी शक्ति के रूप में इसका उदय हुआ। बंधुओं हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हमारी राजनीतिक क्षमताएं क्या थी, प्रथम जब संविधान बना, प्रथम जब लोकसभा बनी उस समय हमारे 42 सांसद चुन करके आए, प्रथम जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब उसका संविधान बना,
वो संविधान में नाम के निबंधुओं का आता है, मुझे कोई शक नहीं उनका भी योगदान होगा, लेकिन उस संविधान बनाने में हमारे 5 सदर्वी बंधुओं का, कि जो मौलिक रूप से निष्प्र थे, जो मौलिक रूप से सरल थे, ये परमात्मा जिसे कहना चाहिए जनत्व की जिन जान जिन वाणी से आप्लावित थे, उनके अपने संस्कारों का भी संविधान में गंभीर योगदान है। हमारे 5 बंधु संविधान सभा में थे बंधुओं। अगर लोकसभा की बात करें 42 मेंबर, अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो 4 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से हुए। इवन पश्चिमी बंगाल में भी हमारे उप मुख्यमंत्री हुए। राजस्थान की अगर बात मध्य प्रदेश की विधानसभा में संख्या की बात करें तो 37 हमारे विधायक हुए। राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो 27 हमारे विधायक रहे। अन्य कई क्षेत्रों में, अनेकों रूप में राजनीतिक क्षेत्र में हमारी जिसे कहीं उल्लेखनीय उपलब्धि थी। और बंधु आज अगर आज मैं आपके दिलों को इस समय छूना चाहता हूं, झकझोरना चाहता हूं, ये जनून को जन्म देना चाहता हूं, बंधुओं आज लगभग हम शून्यता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पर्टिकुलर मुश्किल से 2 सांसद, और यहां तक कि इस बात तो हमारे अपमान का हस्त्र हुआ, हम अपने सपनों की संस्था, आज के समय में अधिकांश जैनियों का मत है कि नरेंद्र मोदी आना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। मैं अधिकांश वर्ग का लेता हूं बंधुओं, किसी के दिलों को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन बीजेपी ने पूरे राष्ट्र के परिमंडल में सबसे ज्यादा समर्थन करने वाली इस कौम को सिर्फ 1 टिकट दिया है, मात्र 1। इसका कारण हम असहाय हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी लॉबिंग नहीं है, कुछ भी हमारे कितने भी जिसे कहने चाहिए मंदिरों पे किसी तरह की हमला हो जाए, एक तो हमला जिसने झकझोर दिया इस जैन समाज को, हम तथाकथित कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हम पावरफुल है। पाली के नाराय गांव में घटना घटी, 2500 साल पुरानी नैमिनाथ की मूर्ति, तीर्थ के मूर्ति के 2 टुकड़े किए गए, पूरी रात उस पे उस हंसते हुए अट्ठहास लगाते हुए दारू उड़ेलते हुए उस मूर्ति की पवित्र मूर्ति पूरी रात दारू की बोतलें उड़ेली गई। बंधुओं कुछ नहीं कर पाए हम, ये सच मैं आपके सामने कह रहा हूं। ऐसी अनेक घटनाएं, चाहे गिरनार जी का मंदिर हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा सामर्थ्यशील होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात बंधुओं मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन में इस समाज की क्या उल्लेखनीय भागीदारी है। अगर आप प्रशासन के रूप में देखना चाहते हैं, मैं आपके दिलों को छूना चाहता हूं, बहुत ही साक्षात रूप से जो सदृश्य प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है, मैं रचना करना चाहूंगा। 18 साल की उम्र में जब मैं बीकॉम कर रहा था, पाली शहर राजस्थान के शहर में मैं बीकॉम कर रहा था, लेकिन बीकॉम करते करते मेरे भी मन में एक सपना आया कि इस पाली शहर का नंबर 1 उद्योगपति मुझे बनना है। युवा आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं जन्म ले लेती, एक सपना बन जाता है, उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने भी बीकॉम करते करते एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। बंधु उस समय इंस्पेक्टर राज था, बहुत से लाइसेंस लेने पड़ते थे, मुझे भी राजस्थान के गलियारों में जाना पड़ा। जब जिस से मैं आगे बढ़ता गया, मैं ये देखता था उस सचिवालय में जो तख्त के लटकी हुई थी, उस पे किसी पे मुथा लिखा था, किसी पे बंसाली लिखा था, किसी पे मेहता लिखा था, किसी पे भंडारी लिखा था, चारों तरफ हमारे जिन शासन के सुयोग्य प्रतिभावान संस्कारवान कर, उसके मन से एक अजीब तीस निकलती थी, एक अजीब वेदना निकलती थी, एक पीड़ा और व्यथा का इजहार वो हमेशा करता था। कितना भी संस्था में काम कर ले, लेकिन उसके मन के अंदर एक खसक जो है वो कभी पूरी नहीं होती थी कि हमारा बाह्य स्वरूप टूटा हुआ है। अब क्या है, हम हजारों साल तक जो हमारा गौरव था, जो हमारी परंपराएं थी, मैं आज तमिलनाडु में हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं जब इस बार चेन्नई आया, कुछ हमारे धर्म के साधारण बंधुओं के साथ में बैठा, उनके मुंह से निकला, शांतिलाल जी शायद आपको मालूम नहीं होगा, हालांकि मुझे मालूम था, इस तमिलनाडु की धरती में भी गांव गांव में कस्बों कस्बों में जैन पुरातत्व और जिसे कहना चाहिए संस्कृतियों के अवशेष मिल रहे हैं, कहीं खुदाई होती है। और एक तो मैं आज से 5 दिन पहले नवा टाइम्स मुंबई में पढ़ रहा था, तो कोई तिरु करके कोई एक गांव का नाम है, उसमें परमात्मा नेमिनाथ स्वामी की 2000 साल पुरानी गुफा की जो आकृतियां उन्होंने दिखाई, जिसकी पालना नहीं हो रही है। अनेकों अनेक मेरे ख्याल से आदरणीय सम्मानीय सज्जन राजे साहब मेहता परसों उदयपुर में मेरे साथ में थे, इनका कहना है कि जीतों के माध्यम से हम जीत चारों पंथ को तो जोड़ पाए, लेकिन दिगंबर समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो तमिलनाडु में किसी समय जैन
जैन धर्म पालन करता था, आज भी करता है, लेकिन वो हमारी मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है, जीतू से जुड़ेगा। बधाई देना चाहता हूं बंधुओं आपको। तो मेरा ये कहना है कि जैन धर्म जिस प्रकार से गौरवशाली था, जो हमारे जिसे कहना चाहिए सामर्थ्य थी, जिस प्रकार से हमारे संस्कार थे, जिस ऊंचाई पे हम लोग थे, उन सबका बंधुओं धीमे 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 हमारा निश्चित रूप से जिसे कहना चाहिए हाश हो रहा है। अब मैं आना चाहता हूँ तीसरा आर्थिक रूप से। सबके मन में जब जैनों से एकाएक मिलते हैं तो सबके दिलों दिमाग में ये रहता है, अरे हम सब बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी हमारी उपलब्धियां है। बंधुओं ये निश्चित रूप से हमारी सोच गलत है। आज भी हमारे जैन जिसे कहना चाहिए हमारे परिवार की महिला को मैंने पोछा मारते हुए देखा है। मैं जब कोल्हापुर का उद्घाटन करने गया, जिस समय 100 किसान भाई उस जीतों के केवल अखबार में विज्ञापन समझ करके जब उस कार्यक्रम के आए और उनके जब बयान और उनके जो शब्द सुने तो रोंगटे खड़े हो गए। लाखों की संख्या में जैन समाज उबली और कोल्हापुर के आसपास और मध्य प्रदेश के गरीब इलाकों में रहता है, जैन समाज जो दिखता वो नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हमारा अतीत क्या था, तो निश्चित रूप से हमारा अतीत बहुत अच्छा था। इस देश में अगर एक कोई घटना घटी है और पूरा देश उस बात का गवाह है, तो निश्चित रूप से लाखों राजाओं के बीच में, राजस्थान में तो हर 3 किलोमीटर पे एक रावड़ा है, हर एक गजवाड़ा है, ऐसा मध्य प्रदेश में, ऐसा पूरे देश में था, लाखों राजा आए हुए। लेकिन अगर सिर्फ 2 राजा की तस्वीर कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से गुवाहाटी तक लगती है, पूरा देश उसे आदर और सत्ता के साथ हजारों साल से लगा रहा है और आगे हजारों साल तक लगाएगा जब तक भारतीय संस्कृति जीवित है, तो अगर वो 2 राजा सिर्फ है तो सिर्फ 2 राजा कौन से हैं, बाकी हजारों लाखों राजा कहां है। बंधुओं अगर वो 2 राजा है तो एक इस महाराष्ट्र की धरती का पावन सपूत छत्रपति शिवाजी और दूसरा राजस्थान की धरती का मेवाड़ का महाराणा प्रताप। और अगर आप कहेंगे ऐसा क्यों है, तो बंधुओं महाराणा प्रताप का जीवन आपने भी पढ़ा होगा, मैं उल्लेख करते हुए मेरी बात को आगे ले जाना चाहूंगा। एक काल आया बंधुओं ऐसा कि जिस समय महाराणा प्रताप जंगलों में सब कुछ थकान में आ गए, उदासी में आ गए, निश्चल में आ गए, हताश हो गए, और उनकी आंखों के सामने जब बिलावर घास की रोटी भी अगर बेटे के साथ से लेकर के भाग गया, तब तो वो चूक गए, हताशा की प्रकाष्ठा आ गई। जब जो आसपास सेनापति मौजूद थे उन्हें कह दिया गया, अब नहीं हो सकता मेरे से संघर्ष, मुझे गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं बचा है। बंधुओं आपकी तरफ से ये समाचार पहुंचा किसी एक बंधु के पास, मैं इस सदन से कहना चाहूंगा आगे बढ़ते हुए, आपकी तरीके से ये समाचार किसी बंधु के पास पहुंचा, वो बंधु दौड़ करके जंगलों में गया, राजा के सामने जाकर के दंडवत प्रणाम किया, राजा आप गुलामी स्वीकार नहीं करोगे, हथियार नहीं डालोगे, 7 पीढ़ियों से जो धन मैंने कमाया है वो आपकी सेवा में चरणों में हाजिर है, आप इस जंगल में 12 साल तक जिसे कहना सल्तनत मुगलों से संघर्ष कर सकते हैं, इतना धन इसके अंदर रखा है, आप सेना नहीं बनाइए, संघर्ष को नहीं रुक जाए, लेकिन आप हथियार निकालेंगे। बंधुओं वो इस प्रकार का कौन सा बंधु था जिसने अपने सदियों की कई पीढ़ियों की कमाई हुई धन को उनके चरणों में निछावर कर दिया। हुआ आज सदन से पूछना चाहता हूं, उत्तर देंगे मुझे गुड, बिल्कुल राइट आंसर। बंधुओं आपके हमारा अपना स्वधर्मी भाई भामाशाह था, और आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर धर्म के क्षेत्र में कोई त्याग का अनुकरणीय आदेश का खड़ा करता है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो कश्मीर हो, किसी भी समाज के अंदर उसे उपाधि अगर दी जाती है तो हमारे उस स्वधर्मी भाई के नाम से दी जाती है कि ये समाज का भामाशाह है। और आज बंधुओं आर्थिक क्षेत्र में 100 बिलियनर्स ऑफ इंडिया में हम लोग सिर्फ एक है। मन को कचोटता है, राजा भगाओ जाओ के सारे खजाने संभालने वाला मेरा ये स्वधर्मी भाई आज कितना पीछे आ गया, छोटी मोटी दुकानों में उलझ गया, कुछ लोग जो श्रेष्ठता पे पहुंच गए लेकिन दूसरे समाज के लोगों को साथ में ले जाने में आगे नहीं बढ़ पाए, ये सब क्रांति का सृजन अगर कहीं हुआ है। आज गांवों में बैठा हुआ मेरा किसान का छोटा भाई, कस्बों में बैठा हुआ, शहरों में बैठा हुआ मेरा अगर स्वधर्मी भाई, अगर अडानी के बराबर अगर आएगा, इस साधारण भाई को बराबरी लाने का, बराबरी पर लाने का अगर कोई कार्यक्रम करेगा और हजारों साल तक की
रणनीति मैं भी कहना चाहता हूं बंधुओं, में मेरी अपनी बात में कह देता हूं, क्या जो मेरे पास था वो मेरा था, जो धन आज मेरे पास जिससे सपना देखा मैंने पूरा किया वो मेरा था, बिल्कुल नहीं। जो आज मेरे पास है क्या वो कल मेरे पास रहने वाला है, बिल्कुल नहीं। दो तीन पीढ़ी के बाद जाने वाला है, ये तय है। ये संसार परिवर्तनशील है, कोई भी चीज स्थायी हो नहीं सकती। लेकिन इस सब में बदलते परिवेश में अगर कोई ऐसा मॉड्यूल बने कि जिस मॉड्यूल से दो तीन पीढ़ी के बाद में अगर मेरा ये स्वतंत्री भाई अगर कमजोरी की तरफ जाए तो इस मॉड्यूल का उपयोग करके वो अपने सपनों को अंजाम देने के लिए वापस श्रेष्ठता पे आ जाए। अगर बंधुओं ऐसी कोई सोच जो हजारों साल बाद अगर ये कहना चाहिए काम करती रहेगी, ऐसी कोई पुनः क्रांति की कल्पना हुई, ऐसा कोई सृजन हुआ है तो उसका नाम है बंधुओं जीतो। जीतो एक ओजस्वी परिकल्पना है, एक तेजस्वी विचार है। समय और काल की आवश्यकता के अनुसार ये जीवंत ऊर्जा का उद्घोष है, एक चैतन्य संधार है, अपने अंदर में भी समेटी हुई विराट संभावनाओं का, विराट संभावनाओं के क्रांति बीज का अंकुरण है बंधुओं, जो आने वाले समय में हमें श्रेष्ठतम स्थान दिलाएगा, एक गरिमामय स्थान दिलाएगा। हम नहीं चाहेंगे मसाला जुलूस निकालना, हम नहीं चाहेंगे नारे लगा करके जुलूस निकालना, लेकिन हम एक सुलझी हुई क्रांति के माध्यम से, एक सुलझी हुई रणनीति के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप चढ़े करते हुए, और इसके पक्के रिजल्ट आ चुके हैं। सम्मानीय राकेश जी ने जो जिसे कहना चाहिए जो प्रेजेंटेशन दिखाया है बंधुओं, उस प्रेजेंटेशन में क्या सपने में सोचा जा सकता था, मैं आपसे एक बात शेयर करता हूं। मैं कोल्हापुर गया चेक करके उतरा करता हूं बंधुओं, उस दृश्य को मैं देखता हूं, मेरी आंखें भी खुशी से हल्के से आंसुओं से सर तरबतर होती है। मैं जब कोल्हापुर में चैप्टर के उद्घाटन पर बैठा था, मैंने देखा कि करीब 80 से 100 किसान हमारे समारोह में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे मन में भी एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर ये इतनी बड़ी संख्या में किसान कैसे आ रहे हैं। बंधुओं जब हमारे स्पीचेज हुए, चैप्टर का विधिवत उद्घाटन हो गया, उसके बाद जब मैं उन किसानों के बीच में मेरी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया, मैं गया वहां पर, तो मैंने कहा आप कहां से आए हैं। उनके बीच में एक युवक था, वो बोला साहब हम तो दूर दूर के देहातों से सब, हमको साथ में भी नहीं आए, कोई किसी गांव से आया, कोई किसी गांव से आया, कोई किसी गांव से आया, हम लोग यहां आए। मैंने गाने का प्रयोजन मुझे मालूम नहीं उज्जैन है, मैंने गाने का प्रयोजन, तो उनमें से एक व्यक्ति के मन से निकला, बड़े विनय पूर्वक निकला कि मैंने हमने अखबारों में विज्ञापन देखा कि जीतो के चैप्टर का उद्घाटन है, अरे हम जीतो को देखना चाहते थे कि कौन जीतो है। बोले हम इस जीतो के उद्घाटन में केवल इसलिए आए हैं कि हम जीतो रूपी उस भगवान को देखना चाहते हैं कि वो भगवान कौन है जो जीतो के रूप में आज उद्घाटन हो रहा है, उसके दर्शन करना है। मैंने कहा क्या हुआ बंधुओं, ये वर्ड क्यों काम में लेते हैं। वो बोलते हैं कि इस जीतो के रूप में मेरा बच्चा बंबई की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा IIM की श्रेष्ठ स्थान पर पढ़ रहा है, हमने सपने में नहीं सोचा। इसके पहले अगर हमारा बच्चा सपना देखता था हमारे गांव में तो हम कह देते बेटा भगवान ने जन्म नहीं दिया था तुझे, ठीक है तूने बड़ा सपना देख लिया लेकिन अब धीमे हो जा, अपने बस में नहीं है, अपन तू अमेरिका की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएगा, तू IIM में नहीं पढ़ पाएगा। बंधुओं जीतो एक वो संस्था है जो पूरे देश में पूरे आम आह्वान करती है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ आसपास के गांवों में शहरों में जहां कहीं भी पाली में जाए, राजस्थान में जाए, मध्य प्रदेश में, जो जहां का निवासी चाहे या यहाँ के भी गरीब लोगों को ये खुलेआम दे दें, अगर उसका जनजाति में जन्म हुआ है बंधुओं उसको सपने को मारने की जरूरत नहीं। अगर 40 लाख रुपए की जरूरत है या 50 लाख की जरूरत है, विश्व का श्रेष्ठतम जो अमेरिका का श्रेष्ठ वैज्ञानिक जो कोर्स कर सकता है वो जीतो से उपलब्ध आएगा, निश्चित रूप से उपलब्ध आएगा। और उसी कोल्हापुर में हमारा मॉड्यूल देखिए, कोल्हापुर में हम पहुंचे 3 साल बाद जीतो उद्घाटन करने के लिए, लेकिन उसी कोल्हापुर की धरती के गांव गांव में जीतो पहुंच गया। इस व्हाट्सएप के माध्यम से, इस हमारे jito.org के माध्यम से बच्चा अपने आप एप्लीकेशन करता है, बच्चा अपने आप फॉर्म भरता है, बच्चा अपने आप लोन पाता है, बच्चा अपने आप विदेशों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाता है, बच्चा पढ़ के आ जाता है। बंधुओं ये ऐसा किसी ने सोचा नहीं था,
और मैं सच कहता हूं इस जीतों के माध्यम से आने वाले समय में, मैं तो इसलिए सच कहता हूं कि कस्बे कस्बे गांव गांव लाखों लोगों से जनों से मैं संबोधित कर चुका हूं, मिल नहीं चुका हूं संबोधित कर चुका हूं, आने वाले समय में जैन समाज में जन्म लेना ही एक दुर्लभ बिंदु होगा बंधुओं। वो व्यक्ति गौरवान्वित होगा जिसका जन्म जैनों में होगा, वो भाग्यशाली होगा जिसे परमात्मा जैन बनाएगा, कहीं ना कहीं सुकर्म करेगा, कहीं कई कर्मों का योग फलाएगा, तब कहीं जाकर के जैनों में वो उस बच्चे का जन्म होगा। इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी जिसे कहना चाहिए बहुत दूरदृष्टि की रचना के साथ इस जीतो कंसेप्ट का प्रारंभ हुआ है। और इसी गुणने में राजनेता भागीदार हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भागीदार हुए हैं, प्रसिद्ध सूर्यों की उद्योगपति भागीदार हुए हैं, व्यापारी भागीदार हुए हैं, मीडिया कर्मी भागीदार हुए हैं, सामाजिक नेतृत्व आदरणीय मांगीलाल जी, आदरणीय तिरंगलाल जी, आदरणीय चंपारण जी, बाफना आदरणीय महावीर जी मेहता का पूरा परिवार, इस टाइप के देश के कोने कोने से सारे बड़े परिवारों ने मिलकर के, और हमारा छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता जो यहाँ बैठा होगा कल वो जीतों की इस गद्दी पे आएगा। वैसे बंधुओं ने मिलकर के वर्षों की मेहनत के बाद में से वो एक मॉड्यूल निकाला है जिस मॉड्यूल पे कोई कब्जा कर नहीं सकता, कोई इसका मालिक हो नहीं सकता। और मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, इस मंच पर न कभी कोई कच्छ होगा, न कोई पंत होगा, न कोई संप्रदाय होगा, न दिगंबर होगा, न स्थानकवासी होगा, न मूर्ति पूजक होगा, न तेरापंथी होगा, न दस्सा होगा, न बिस्सा होगा, न गुजराती होगा, न मारवाड़ी होगा, न कोई ओसवाल होगा, न कोई कोरवाल होगा। बंधुओं इस मंच पर अगर कोई होगा तो सिर्फ वो परमात्मा महावीर का अनुयायी होगा, और कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं और कोई कल्पना नहीं, हम एक श्रेष्ठ। और मैं आप बात करते हुए मेरी बात को आगे ले जाऊंगा बंधुओं, यूनिवर्सिटी में भी मेरा स्पीच हुआ, उस यूनिवर्सिटी में 200-300 स्कॉलर आए थे जिन्होंने विश्व के सारे धर्मों की स्टडी की, पीएचडी की। मैं भी जब बच्चा था मेरे भी दिमाग में था, जब हम साधु संतों से सुनते थे प्रतिष्ठा में जाता था, चाहे जिसे कहना चाहिए वैसा जब चतुर्मास का प्रवेश होता तब जाता था, या जिसे कहना चाहिए वो परीक्षण में जाता था, मैं व्याख्यान के अंदर माया भेज देती थी, मेरे भी मन में एक बात कान में बराबर पड़ती थी कि जैन समाज जिन शासन सबसे ज्यादा गौरवशाली है, जिन शासन सबसे ज्यादा पवित्र है। बंधुओं मेरा मन नहीं मान पाता, नहीं कभी नहीं मानता था दूसरे धर्म क्यों नहीं श्रेष्ठ है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी यूनिवर्सिटी के उन स्कॉलर के साथ जब बैठ के मिला, ये जिज्ञासा लंबे समय तक चली, कई साधु संतों के साथ बैठा मैं, चर्चा की मैंने, बुद्धि जी भी चिंतन किया, लेकिन मेरा दिल नहीं एक्सेप्ट हुआ कि अन्य भी समाज की जिसे कहना चाहिए मौलिक कल्पनाएं श्रेष्ठ होगी। बंधुओं जिस समय यूनिवर्सिटी के स्कॉलर के साथ बैठा, उनके दिलों से जब निकला, अंतर्मन से निकला, हमने विश्व की सभी जिसे कहना चाहिए फिलोसफी की स्टडी की है, सभी धर्मों की स्टडी की है, हम दिल से कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा बनाने का इस टाइप का पावन धर्म कोई नहीं। सभी धर्म के अंदर कोई न कोई मालिक बनता है, कोई न कोई कहता है मैं करता हूं। आप लोग ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, आप केवल जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसे बोएगा वैसे पाएगा, कर्म की अनमोल अद्भुत सत्ता में विश्वास करते हैं, यही मौलिकता है, यही शाश्वतता है, यही श्रेष्ठता है। बंधुओं मेरा मन भी, ये तो बात में बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं, लेकिन जब विस्तार में गया, घंटों बैठा, मेरा मन उस दिन एक्सेप्ट कर गया कि मैं आज एक समझदार हूं, इंटेलेक्चुअल हूं, इसलिए मैं ये कहता नहीं, मैं एक जैन हूं इसलिए मैं कहता हूं कि जैनिज्म एक श्रेष्ठतम विचारधारा है। नहीं बंधुओं, मैं इंटेलेक्चुअल मन से कहता हूं कि जैनिज्म इंटेलेक्चुअल मन से विश्व की सर्वोत्तम विचारधारा और प्रणाली है। हुआ सिर्फ यही है, हमने अपने स्थानों को, हमें अपने मंदिरों में अपनी अपनी सेवा प्रति, अपने अपने मंडल की, अपने अपने विश्वसन की सेवाएं करते हुए उसे बांध दिया, उस परम पावन पवित्र और अलौकिक स्वरूप को विश्व के लोगों के साथ बांटा नहीं। और मैं कहता हूं कि जिस समय ये जीतो श्रेष्ठतम स्तर पे पहुंचेगा, बंधुओं हम ये कार्य भी शुरू करेंगे कि ये श्रेष्ठतम वर्ग संस्कारों के साथ हम प्रतिभावान बच्चे ला रहे हैं प्रशासन में, संस्कारों के साथ हम IIM बना रहे हैं, संस्कारों के साथ हम MBA बना रहे हैं, और धीमे धीमे जब हम मजबूत हो जाए उसके बाद मानवता के सर्वोच्च धर्म को हम आगे लेके जाएंगे। विश्व बंधुत्व की असली परिभाषा जियो और जीने दो, खम्बे जी जीवे शिवा, पूरे विश्व पे अवधार करने वाली अद्भुत श्रेष्ठतम धर्म का प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। आपके दिलों को छूना चाहता हूं बंधुओं, ये एक अद्भुत चिंतन है, एक अद्भुत कल्पना है। अब आप कहेंगे कि ये सब बातें तो गलती शांति ला दी आपने, इतिहास में भी चले गए, क्यों बना उसमें भी चले गए, लेकिन है क्या जीतो?
सम्मान्य बलदोटा जी और सम्मान्य राकेश जी के मुंह से या सम्मान्य ललित जी मेहता इनके मुंह से निकले हुए शब्दों के साथ में भी उन्होंने कुछ काम मेरे लिए छोड़ दिया था। मेरी बात अब बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेंगे, लेकिन मैं आपके ध्यान को कंसंट्रेट कराना चाहता हूं कि वॉट इज जीतो, इस बात को आप अपने दिलों में उतारे, रोम रोम में उतारे कि वॉट इज जीतो। बंधुओं, जीतो के बारे में बताना चाहता हूं, जीतो क्या है, जीतो की मौलिक रूप क्या है, मौलिक स्वरूप क्या है। तो पहले नंबर पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और मेरे बोलने के बाद आप अपने मन के दिल में अंतर्मन में या घर में परिवार में भी किसी के साथ चर्चा करते समय, जैन समाज के किसी प्रबुद्ध चिंतक के साथ चर्चा करते समय भी अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया मुझे फोन करना नहीं भूले, क्योंकि ऐसी कोई अधूरी कल्पना इस जीतों के अंदर विद्यमान नहीं है। आज तक मैंने हजारों लोगों के सामने प्रश्न रखा है, हजारों लाखों लोगों को कहा है कि एक भी ऐसा काल आधार बताएं आप जो जीतों पर है, या एक भी स्थान पास एक भी किसी मंदिर को मानने वाला, तलबन को मानने वाला, दिगंबर को मानने वाला, गुजराती मारवाड़ी, कोई भी एक व्यक्ति के मन के अंदर छोटा सा भी प्रश्न हो कि मैं जीतों में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे काम की नहीं है, मुझे नहीं जाना चाहिए, यहां ये लफड़ा है। आज तक कोई प्रश्न कोई फोन मेरे पास आया नहीं, हजारों हजार रचना है, तो मैं आपसे आना चाहता हूं कि पहला प्रश्न कौन सा है, पहली मौलिकता क्या है। बंधुओं, जीतो ने 2600 साल की टूट फूट बिखराव के बाद संपूर्ण चेतना के साथ, संपूर्ण ऊर्जा के साथ, संपूर्ण समीक्षाओं के साथ, इसे कहना चाहिए ना, पुराने अतीत में देखते तो असुरों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उसमें से एक अमृत प्राप्त हुआ था। ठीक इसी प्रकार के निष्कर्ष और मंथन के बाद में जीतो ने एक ऐसी सोच निकाली है कि आगे से कोई टूट और बिखराव की जैन समाज की छवि नहीं बने। तो उस छवि के बनने के लिए जो मौलिक सोच आई वो ये आई कि हमने एक ऐसा निरपेक्ष संविधान बनाया है, ऐसी सेक्शन 25 के अंतर्गत एक कंपनी का निर्माण किया है, ऐसी अलौकिक जिसे कहना चाहिए आर्टिकल बनाया है, आज तक जैन समाज के किसी भी संगठन के पास उस टाइप की मौलिकता हो नहीं सकती जो केवल परमात्मा महावीर को समर्पित होकर के निरपेक्ष गठन और निरपेक्ष उसकी संरचना हो। लेकिन जीतो ने वो लोकतांत्रिक जिसे कहना चाहिए निरपेक्ष संगठन बनाया है कि जिसमें कोई भी काला दाग नहीं, हर व्यक्ति ये नहीं कहता कि जीतो हमारा नहीं है, सब कहते हैं जीतो हमारा है, केवल परमात्मा महावीर के अनुयायियों के लिए बिना किसी पहुंच के, बिना किसी आरक्षण के, बिना किसी पूछताछ के उसे आने का निमंत्रण है। तो ये हमारी संवैधानिक कल्पना है, कोई उसमें हाथ लगा नहीं सकता, आने वाले हजारों साल तक कोई भी एक ग्रुप आकर के इसे अलग धारा में मोड़ नहीं सकता, क्योंकि 75% बहुमत के सदस्यों के बिना संविधान चेंज नहीं हो सकता। नंबर टू, देखिए मैंने एक ऐसी मौलिक बता रहा हूं, आपको बोलने में सुनने में बहुत सहज लगी होगी, लेकिन बंधुओं 2600 साल में ऐसी कोई संस्था बन नहीं पाई जिसके अंदर के इस प्रकार की मौलिकता आई हो, ऐसी सोच आई हो, क्योंकि परमात्मा महावीर के समय में भी जैनों के टुकड़े नहीं थे, वो कंप्लीट एक मौलिक संस्कृति के उद्घोषक थे, धरती के महान सपूत थे, लेकिन हमने बाद में जैनों को बांटते 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 कई खंडों में, पंथों में, संप्रदायों में डाल दिया। तो जीतो उस मौलिक जो परमात्मा महावीर स्वयं कह गए थे उस बिंदु पे एक निरपेक्ष संगठन है, संविधान। नंबर टू, बंधुओं जीतो की संरचना संपूर्ण लोकतांत्रिक है, 100% पारदर्शी है, 100% शब्द काम में लेता हूं। यहां पर इस सीट पे केवल वही बंधु बैठ सकता है जो अपने अपने क्षेत्रों से चुन करके आएगा, कोई भी हटात किसी भी दृष्टिकोण से इस कुर्सी पे आ नहीं सकता। दो बार मेरा हो गया, अगली बार से इस माइक पे मेरा शकल नहीं दिखेगी, मैं आपको सामने श्रोता के रूप में बैठा हुआ दिखूंगा, अगर जीतो मैं आऊंगा आऊंगा जरूर, नहीं का कोई प्रश्न नहीं है। ये बंधुता जी भी सामने ऑडियंस के रूप में दिखाई देंगे, कितने भी विराट उद्योगपति है, ऐसे ऐसे विराट उद्योगपतियों की मैं आपसे कहना चाहता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से गुवाहाटी तक एक भी जैन समाज का विराट, चाहे वो अडानी है, चाहे वो जिसे कहना चाहिए सम्वेक भाई आनंद जी राज्य कल्याण जी वाला है, चाहे तोरंत है, चाहे पारसनाथ डेवलपर से, चाहे सासून है, चाहे माइक्रोवेव है, चाहे धोनी रसिकलाल धारीवाल है, चाहे बलदोटा जी है, चाहे बॉम्बे का कितना भी बड़ा बिल्डर हो, चाहे जिसे कहना चाहिए बेंगलोर का कितना भी बड़ा बिल्डर हो, एक भी नाम आप ऐसा बता नहीं सकते इस भारत भूमि में
तो चला गया और उसका श्रेष्ठ आदमी ने जी तो ज्वाइन नहीं किया। बंधु ये बलदोटा जी, दसिकला जी, धारीवाल, ये लोग क्या करते थे पहले? इसके पहले क्या होता था? सुरेश गुप्ता जिसने वनिता नगरी में 50 करोड़ रुपए का खर्च करके धर्म और अध्यात्म की सेवा की, ये सब लोग जितने भी बड़े नाम है, एक नहीं अनेकों अनेक नाम है, आदरणीय मोतीलाल जी का नाम इस श्रेणी में आता है और भी कई बंधुओं का आता होगा। बंधुओं होता क्या था, उन्हें किसी फंक्शन में बुलाया जाता था, वो मुख्य अतिथि के रूप में आते थे और आकर के क्या बोलते थे, आने से पहले मंच पे चढ़ने से पहले घड़ी देकर के उस आयोजन को बोलते थे, अरे भाई मेरे पास 5 मिनट तेरे कहने से आ गया हूं, 5 मिनट में पहले मेरा काम करा दे, मेरे बहुत अर्जेंट काम है जाना। बंधुओं वो दिन लग गए, अब उन्होंने समझ लिया है कि मेरा जन्म तो किस पुण्य धर्म में जन्म हुआ है, मेरे योगदान है, मेरे ऋण है, मेरे दायित्व है। 3-3 दिन तक मोबाइल बंद करके, मोबाइल बंद रहता है जब हमारे फंक्शन होते हैं और वो बंधु 3-3 दिन तक मौजूद रहते हैं। मैं कहता हूं एक शक्ति के अद्भुत स्तंभ, इस जैन समाज का एक अद्भुत लाडला सत्सम जिसे कहना चाहिए कर्मवीर और कर्मयोगी, कर्मयोद्धा हमारे बीच में मौजूद है, जो कहता है कि 24/7 24 घंटे अगर जैन समाज के किसी आदमी को अगर मेरी जरूरत है तो मैं हाजिर हूं, वो आदमी 5 मिनट किसी मंच पे आया नहीं कभी सोशल सर्कल में। अंगवा बजाए एक बार जो गाता आदरणीय बंधुता जी के लिए। मुझे आप सुनेंगे तो मंत्र मुक्त घंटों सुनते चले जाएंगे, क्योंकि मेरे रोम में हजारों हजार लाखों जनों से मिलकर के वो भावना किस रूप में आई है उसका चित्रण है। ये सब एक परिकल्पना का, लेकिन मैं उन सब बातों में आपको नहीं ले जाते हुए बहुत जल्दी से सिर्फ नेक्स्ट 5-7 मिनट के अंदर मेरी बात को विश्राम की तरह ले जाऊंगा। तो बंधु अब तीसरा पॉइंट, जीतों का नंबर 1 पॉइंट निरपेक्ष, नंबर 2 लोकतांत्रिक संविधान। अगर हमारे बेंगलोर में ये कर्मवीर आए, यहाँ पर अद्भुत कर्मवीर आए जिन्होंने सपना देखा था कि मेरे कार्यकाल में जीतो का एनुअल लॉन्च बेंगलोर की साउथ की धरती पे होना चाहिए, कई उतार आए, चढ़ाव आए, बिखराव आए, लेकिन वो व्यक्ति झुका नहीं और उसने कहा मेरे कार्यकाल में आप लोगों को सहमति देनी पड़ेगी। बोर्ड ने सहमति दी और मेरे ख्याल से जो बंधु आए उनके सपनों में आएगा किस प्रकार का एनुअल लॉन्च, किस प्रकार के 10-10, 15-15 हजार करोड़ की पार्टियां एक शांत वे में 2-2 दिन तक जीतो के बेंगलोर कन्वेंशन में सैकड़ों की तादाद में बैठी रही, चुपचाप देखते रहे क्या होता है। वैसा ही कर्मियों की प्रकाश सिंह भी यहाँ मौजूद है और आज आपके कोयंबटूर के लोगों से मिलने कोयंबटूर को अग्रिम शुभकामना देते का जीतो के मेंबर उनको खुशी है, पूरे बेंगलोर को खुशी है और आज वो ये खुशी आपके साथ भी बांटने आए हैं कि कोयंबटूर की धरती पे भी वो एक अद्वितीय अनमोल रत्न जीतो पहुंच चुका है। धन्यवाद आपको भी, आप हमारे यहाँ पर चेन्नई के हमारे बहुत जितने भी आए हैं सबके सब लोग खुश है, चेन्नई भी बहुत विराट ढंग से आगे आया है। तो बंधुओं नंबर 3 में जिसे मैं कहना चाहूंगा कि जीतो की तीसरी विशेषता है, तो देखिए ये संस्था किसी की बहुत ही नहीं बन सकती, इसकी संपूर्ण जिसे कहना चाहिए कल्पनाओं के अंतर्गत हमारा इस सौधर्मी बंधु जो युवा वर्ग के रूप में आज मौजूद है, अगर इसके पास धन बड़े रूप में नहीं भी आया लेकिन अगर एक दिन के मन के अंदर ये कल्पना आ गई कि जीतों के लिए या समाज के लिए हमें बहुत बड़े नए जमाने के 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी की रचनाओं को जन्म देना है, तब उनको असमंजस में नहीं करेगा, जीतों का प्लेटफॉर्म उन्हें मिलेगा, इस मंच पे आने का उनको अधिकार रहेगा, बशर्ते यहाँ का चैप्टर लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके उन्हें जीतों के अध्यक्ष पे भेजता है। अब वो आप संख्या बढ़ाएंगे, आपके यहाँ से डायरेक्टर आ जाएगा, नहीं तो आपकी संख्या और जिसे कहना चाहिए चेहरे की संख्या मिलकर के इसमें से डायरेक्टर चुन के जाएगा। कंप्लीट व्यवस्था कॉर्पोरेट है, कोई भी व्यक्ति कभी हावी नहीं हो सकता, कोई भी डिसीजन कोई ले नहीं सकता, कंप्लीट कॉर्पोरेट संचालन। और मैं आपसे ये बात को एक बड़े रूप में कहना चाहूंगा कि 2007 में बंधुओं जिस समय विलासराव देशमुख आए हमारे मंच पे जीतों पे जिस प्रकार के संचालन, क्योंकि इन बड़े नेताओं को बुलाने के लिए मुख्यमंत्री को पहले हमारे आर्टिकल भेजने पड़ते हैं, हमारी व्यवस्थाएं भेजनी पड़ती है, भेजने के बाद जब वो मंच पे आए तो वो बोले जनों बंधुओं जितनी कि मैं आज एक ऐसे मंच पे आया हूं जिसकी स्टडी करके आया हूं कि पूरे विश्व के जैनों को अगर एक मंच पे लाने की किसी में क्षमता है तो ये आपका जीतो है। ये बात 2007 में विलासराव देशमुख ने कही। ठीक इसी प्रकार से 2008 में प्रफुल्ल पटेल ने कहा
कि जैनों का जो जिसे कहे छोटे छोटे दुकानदार छोटे छोटे उद्योगपति किसान के रूप की छवि को एक नए आधुनिक युग में लाकर के अगर उसे कोई कॉर्पोरेट छवि अगर कोई प्रदान करेगा तो ये सक्षम जीतो संगठन प्रदान करेगा। अडवाणी ने कहा 2009 में हमारे मंच पे हमको समझने के बाद हमारी व्यवस्थाओं को समझने के बाद कि मैं फिक्की में भी गया मैं सोचे में भी गया देश के सारे बड़े बड़े जिसे कहना चाहिए संगठनों में मैं गया कार्य प्रणाली देगी लेकिन इस बार मैं ये कह सकता हूं कि जीतो एक अद्भुत संगठन है और कॉर्पोरेट क्षेत्र में नई ऊंचाइयां जिसे कहना चाहिए हासिल करेगा। 2010 में जिस समय बंधुओं उद्धव ठाकरे शिवसेना का हमारा मंच पे आया उन्हें जब जानकारी मिली तो वो कहता है मैं अब प्रमाणिक रूप से सक्षम रूप से आत्मविश्वास के पूर्वक कह सकता हूं कि जीतो केवल जीतने के लिए बना है जीतो केवल जीतने के लिए बना है। मैं मेरे शब्दों में कह देता हूं बंधुओं जे फॉर जे जैन जैन के लिए है। अब आप कहेंगे कि जीतो ने क्या किया तो देखिए इतनी इतनी सब बातों के बावजूद भी कुछ बातें जो दिलों में कंप्लीट जिसे कहने की खुशियों और उल्लास और प्रसन्नता का एक सैलाब बहा देती है वैसी चीजें आदरणीय जिसे कि मेरे लिए छोड़ी उन्होंने राकेश जी के मन से रह गई। मैं आपको उसे शेयर करते हुए बिल्कुल मैं पॉइंट पे आ जाऊंगा वापस। बंधुओं अहमदाबाद का हमारा कन्वेंशन ऐसे कई जैन समाज के अंदर में बैठे हुए हमारे जैन युवक बंधु होंगे जिन्होंने पढ़ाई में कुछ हासिल की उत्पादन अच्छा करने में उत्पादन लेकिन उनके पास मार्केटिंग तंत्र नहीं होने से वो हमारे जैन समाज के बड़े उद्योगपतियों के पास चार चार साल तक अंदर नहीं घुस सके। कितनी भी कोशिश की लेकिन नीचे का जो तंत्र रहता है नौकर साहब का वही उनको बाहर गेट पे बिठा देता है कुछ नहीं होता है। बंधुओं जीतों के माध्यम से बेंगलोर में वो प्रयास हुआ और वहां पर हुआ कि जितने अहमदाबाद के गुजरात के बड़े उद्योगपति अडानी टोरेंट संवेद भाई बिल्डर राजेंद्र सायलोज सबने अपने अपने वरिष्ठ एक भी बंधुआ पांच एक मिनट प्लीज डिस्टर्ब नहीं करें सबने अपने अपने प्रमुख अधिकारियों को ले जाकर के वहां पर बैठाया 750 अपॉइंटमेंट हमारे जैन समाज के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का हुआ और उन्होंने कहा कि मेरा उत्पादन आपके घर के अंदर देना है। आपको मालूम है करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार आज जैन के साथ हो रहा है। इसी तरह की प्रयास हमने बेंगलोर में किया 400 लोगों के अपॉइंटमेंट हुए 400 लोग माइक्रोवेव से मिले सासून से मिले सबसे मिले। एक बात हमारे और जिस चिंतन में आ गई मैं आपसे कहना हूं हमने एक सपना देखा है कि जैन समाज में जन्म लेने वाला कोई भी बंधु कोई भी बच्चा बेरोजगार रह नहीं सकता और उसके लिए अगर उसने बीकॉम किया है इस हमारे जीप के माध्यम से अगर वो एप्लीकेशन देगा तो उसे 5,000 रुपए मिलेगा या 10,000 मिलेगा लेकिन नहीं जीतो लगातार मैच्योर होगा। आज शांतिलाल जी राकेश जी मोतीलाल जी की टीम है कल जो दूसरी टीम आएगी वो जीतो को और मैच्योर करेगी और एक और मैच्योरिटी आ रही है कि रोजगार के कार्यक्रम में एक चीज जुड़ रही है कि हम पहले बच्चों को बुलाएंगे बुला करके उनका माइंड का मैप स्टडी करेंगे कि उसके दिमाग में कौन सी कुशलता है कौन सी विलक्षणता है कौन सा बिजनेस कौन सी लाइन को वो अच्छे ढंग से कर सकता है फिर उसकी कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से करने के बाद उसे डिप्लोमा कराएंगे और वो बच्चा अगर 5,000 बीकॉम के रूप में प्राप्त करता है उसके माइंड को स्टडी करने के बाद डिप्लोमा कराने के बाद वही बच्चा 25,000 रुपए में नौकरी लगेगा। चलिए मैं अब इन बातों पर बहुत ज्यादा इसलिए नहीं जा सकता कि ये बातें अनंत है। ऐसे ऐसे बच्चे जो जीतों के माध्यम से उस आकाश को छू चुके हैं उनके परिवारों के सर सुन छुड़ेंगे आंखें भीग जाएगी आपकी खुशी से भीग जाएगी जिसे कहना चाहिए एक अंतरात्मा आपकी कहेगी कि दिस इज अद्वितीय संगठन। केवल राजनेताओं ने नहीं कहा बड़े बड़े प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने नहीं कहा हमारा जैन समाज के कार्यकर्ताओं ने नहीं कहा नेतृत्व ने नहीं कहा लेकिन बंधुओं वार्ता हूं मेरी अंतिम बात पर इस प्रकार की योजना रचना रणनीति और कोई संगठन सदियों बाद सामने आता है। हमारा सौभाग्य है हमारा मैं भी नहीं कहता कोई भी आदमी जो आज तक पद पर किसी को मैं नहीं ये एकमात्र संगठन है जिसमें कोई मान सम्मान मोमेंटो साल कुछ नहीं होती। पहली बार ये जिसे कहना चाहिए ये पढ़ा गया है परिचय भी हम लोग चाहते हैं कि एंकर ऐसा भी नहीं कि हम नहीं चाहते लेकिन एंकर जो है केवल अपने शब्दों में बस व्यक्त करते हमें अपने आप को कहीं थूकना नहीं है और जीतो इसके लिए बना नहीं पहले तब तक कहा गया जाता कि ये सोशल समाज सेवा करता है बेटा अपने फायदा और स्वार्थ ढूंढता है। बंधुओं हम क्लियर कर कहते हैं जीतो में आप केवल इसलिए आओगे आपको कुछ बनना है आप जीतो में केवल इसलिए आओगे आपको कुछ पाना है
जीतों में आप इसलिए आओगे, आपको ऊपर जाना है। सामान्य मेरे बड़े भाई जिनका मैं भक्त हूं, जिनकी विचारधारा का मेरे 25 साल पहले साक्षात्कार हुआ, मेरे दिलों पे राज करते हैं, कर उन्होंने एक बात कही जो राकेश जी ने दोहराई, मैं दोहरा देता हूं। आदरणीय सम्मानीय इंद्रचंद जी कोठारी की बात कि जीतो एक ऐसा संगठन बनेगा जहां पैसे की कभी कोई जरूरत महसूस, जरूरत आने पर रुपए की कमी महसूस होगी नहीं। बात 15 मिनट आपके इस विनम्र कार्यकर्ता के, मेरे पास मुझे वो सपना आता है कभी कभी रात को सोता हूं तब, कि इतना बड़ा वो अपने प्रतिष्ठाओं में होता है, कोई प्रतिष्ठा बोलता तो ताली बाजा बजाते हैं, खूब जोरदार तालियां बजती है। बंधुओं जीतों में पहले पहले हमारा भी ऐसा अनुभव, हमने नहीं सोचा कि जीतों में इस तरीके से होगा, लेकिन हुआ। वो ताली बाजा वाले सब बुलाए गए कि एक एक डेढ़ करोड़ का नाम जब आए किसी भी तरीके से कोशिश करने पे, तो आप ऐसा करना कि ये बजाना थोड़ी देर ताकि दूसरे आदमी को उल्लास मिले। लेकिन बंधुओं ये जीतों का प्रथम दिन और पहली कल्पना, पहला अधिवेशन, 15 मिनट आपका ये समय कार्यकर्ता ने जब मंच से ये कहा कि हम इस प्रशासनिक आकाश में हमारे संस्कार युक्त बच्चों को ले जाकर के जैनिज्म की अद्भुत सेवा करना चाहते हैं। किसी ने भाई को नहीं पूछा, बहन को नहीं पूछा, बेटे को नहीं पूछा, 1.5 करोड़ का प्रश्न था, हमें 42 सदस्य चाहिए थे, 58 हो गए, वो अलग कारण से हुए क्योंकि कार्यक्रम मैच्योर हुआ और ज्यादा जरूरत बढ़ गई, हमको सिर्फ 42 चाहिए थे। बंधुओं सिर्फ 20 मिनट, एक बार ढोल नहीं बजा, एक बार बाजा नहीं बजा, एक बार बोलियां की तरह बोली नहीं लगी, केवल हमने अपना विचार रखा और इस तरीके से अंगुलियां उड़ती चली गई, पहले से उठी, दूसरे से उठी, तीसरे से उठी और 42 पे जाके समाप्त हो गई। मैंने अपना भाषण बंद कर दिया, माइक को नीचे रख दिया, इसकी जरूरत नहीं है। एक बार भी ढोल बाजा नहीं बजा, एक बार भी कुछ भी ताली नहीं बजी और 42 लोगों ने 1.5 करोड़ का योगदान दे दिया। ठीक घटना घटी वापस, जब हमें हॉस्टल के रूप में IIM और IIT के लिए भी बच्चों के लिए राजा की तरफ बढ़ाने की सुविधा चाहिए थी, तो बंधुओं 120 करोड़ रुपए की घोषणा देखते देखते हो गई। इसका कारण भी लोगों के दिलों को छू चुका है। आपके कोई रूप से भी इस देश का कोई मेधावी और प्रतिभाशाली व्यक्ति निकले, ऐसी पीढ़ियों को संरक्षण देने वाली संस्था आज आपके द्वार पर है। धन्यवाद देना चाहूंगा चेन्नई की टीम को, धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय ललित जी और हमारे गणेश जी को जिसे मैं पुरुष कहता हूं, और धन्यवाद देना चाहूंगा कैलाश जी और इनके टीम को, इंद्रचंद परिवार और इंद्रजी कोठारी के संरक्षण को, मांगीलाल जी के संरक्षण को, बाबा जी के संरक्षण को, कि बहुत कम समय में बहुत सुंदर रूप से इसे कैलाश जी जीतों को कोयंबटूर की धरती पे ले आए, पूरे देश के नेटवर्क से जोड़ दिया। अब जब फेलोशिप होगी, अब जब कन्वेंशन होंगे, तो यहाँ का भी हमारा ये युवा वर्ग, यहाँ का भी हमारा ये बंधु उस देश के 10-10 हजार 15-20 हजार अनंत गिनत स्वामियों के मालिक के साथ में बैठ के चर्चा करेगा, उनके जीवन की शालीनता क्या है, उनके जीवन की प्रोग्रेस क्या है। तो ऐसा संगठन इस धरती पे भी आ गया कि आपका हमारा आज का संगठन ही आज कैलाश जी आए, कल कैलाश जी को जाना है, ये सदाभार सीट पे रह नहीं सकते। कोई मैं कई बार जाता हूँ तो लोग कहते हैं यार आपने जिनका चुनाव किया वो कम ज्यादा है, यहाँ की बात नहीं, यहाँ के श्रेष्ठ है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूँ भैया जीतो का जो ध्वज हाथ में उठा लेता है उस एरिए का लीडर बन जाता है। जीतो एक ऐसा ध्वज है, और लेकिन वो ध्वज किसी के साथ रहेगा नहीं, वो अपनी सेवा करे, अपनी शुश्रूषा दे, समाज को आगे लाने का काम करे, अपना ऋण निकाल दे और सीट चुनता। और अगर किसी ने नहीं काम किया, अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया, तो ये स्वयं उतार देंगे आपको, दूसरी बार आप आ नहीं सकते। और दो बार के बाद तो आप अपनी राजनीति कर लो, पॉलिटिक्स चला लो, कुछ भी कर लो, आप इस सीट पे आ ही नहीं सकते। तो बंधुओं आप आई है, आपने मुझे सुन लिया, आज इतने व्यस्त उद्योगपतियों को भी सुन लिया, लेकिन अब बारी है आप लोगों की। अगर देश में जहां जहां भी गया हूं जीतों से जुड़ने के लिए, ऐसे ऐसे स्टेज आए कि जितने लोग सीट पे बैठे थे, क्योंकि पहले पहले तो जीतों के कार्ड दिया जाता, अरे होगी यार एक और कोई सस्ता ही है, क्या करना है यार, अपने रविवार है या छुट्टी का टाइम है, मुझे करो ना। कुछ लोग जागरूक होते हैं, कुछ लोगों में जज्बा होता है, कुछ लोग समीक्षा करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पवित्र संगठन के नींव के पत्थर बनते हैं, जिन्होंने समीक्षाएं की है वो नींव के पत्थर बने, आने वाले इतिहास में ये कहा जाएगा कि जीतों को कौन लाने वाले लोग थे, कौन वो बंधु थे जो सबसे पहले जीतों के मेंबर बने, अच्छी संस्था की समीक्षा नहीं की, या तो कोई नाम लगा नहीं किया, किस कारण से मैं जीतों का मेंबर नहीं बनूंगा। और अगर बाहर नहीं लगता है, आपका दिल खुशी से भरता है, तो फिर ऐसी संस्था जो हजारों साल बाद जन्म लेती है, हजारों साल की पीड़ाओं, कष्ट, वेदनाओं और टूट फूट के बाद जन्म लेती है, तो उस ध्वज को मजबूत करने के लिए बंधुओं
आगे आने में विलंब नहीं करना चाहिए। परिवार कही गई है एक अकेले व्यक्ति का स्वर कुछ दूर तक जाता है, लेकिन जब सामर्थ्यता का स्वर बनता है तो शक्ति का स्वर कहलाता है, वो शक्ति का स्वर कहलाता है। और जीतों के बारे में भी मेरे दिल से दो पंक्तियां देते हुए आपसे निवेदन करूंगा, ना मारे जीतों के बारे में पूरा देश ये कहता है कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है। 2600 साल में हम अंधेरे में थे, ये जीतो नाम की संस्था है जो अपना पद चिन्ह खुद बना रही है, खुद मेच्योर हो रही है, खुद रणनीति बना रही है, खुद आगे बढ़ रही है। नहीं आने वाली पीढ़ी रोज नई रचनाएं बनाएंगे, समाज को उस स्थान पर लेके जाएंगे जहां यहूदी पहुंचे। यहूदी हमारे जितने, आपकी जानकारी एक शेयर में रह गई बंधुओं, यहूदी कितने हैं इस विश्व में? 1941 में 60 लाख यहूदियों को काट दिया गया, 62 लाख नसंस मौत की गई, पाश्विक की गई, और उसके बाद पूरे विश्व में वो कितने हैं? लगभग जैन समाज के आसपास हम लोग 1 करोड़ है, वो 1 करोड़ 35 लाख है। लेकिन नोबेल पुरस्कार में 20% उनके पास, हम तो हिंदुस्तान में एक है 100 मिलीनियर्स में, 300 मिलीनियर्स में, वो पूरे विश्व के रिचेस्ट मिलीनियर में 20 है। कितनी यात्रा हमको करनी है, कितनी दौड़ लगानी है, कितना आगे जाना है, उस आगे आने के लिए अगर इस प्रकार की संस्था अगर बनी है, हम वो सपना देखना चाहते हैं। जिस सपने में वो गए वो आक्रमक थे, हम विनयशील लोग हैं, हम उनसे भी ज्यादा ऊपर चढ़ेंगे। विनयशील लोगों को भगवान भी थोड़ी थोड़ी ज्यादा देता है। तो उस स्थान में जाने वाली संस्था के मेंबर बनने के लिए आए, लेकिन जीतों के बारे में एक पंक्ति कहते हुए नाम पुकारना चाहूंगा, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी उल्लास के साथ, बिना इस रचना को सुने हुए, बिना इस रचना की जानकारी लिए हुए। हालांकि आज जो मेंबर बनता है वो नीम का पत्थर है, चाहे मैं नाम पुकार रहा हूँ वो भी है, चाहे जो बाद में बनेंगे वो भी है, क्योंकि कई बंधु ऐसे होते हैं जो विवेकशील होते हैं, बहुत ही सम्यक बैलेंस को लेकर चलते हैं कि बिना कुछ सुने हुए हमको मेंबरशिप के लिए हाँ नहीं भरना। तो निश्चित रूप से ऐसा होना जैन समाज की मौलिक पहचान है। लेकिन कुछ बंधु जिन्होंने इस रचना को शायद कानों कानों में, गोत्रा साहब ने कल प्लेन में बड़ा किस्सा हुआ, मैं और आदरणीय राकेश जी बैठे हुए थे, उसके आगे की सीट पे गोत्रा परिवार पूरा का पूरा बैठा हुआ था, तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। हमारी चर्चाओं में से कुछ ऊर्जापूर्ण बात निकली हुई, कोई ऐसी चर्चा निकली हुई, आदरणीय गोत्रा साहब ने बोला आप जीतों के लोग हैं। मेरी भी आंखें विस्फारित हो गई, मैंने देखा भाई, मैंने कहा भाई साहब आपका परिचय क्या, आप कल जीतों के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं? मैंने कहा 100% सत्य है, जीतों की आठ है गाँव तक पहुंच चुकी है, ऊपर हवाई जहाज में भी पहुंच चुकी है, तो जीतों को कम करके नहीं आगे है। सफल केवल वही है, सफल केवल वही जिसने हिलाया आसमां, इस जहां से उस जहां तक अमर जिसकी दास्तां। आगे कभी जाएंगे बंधुओं, ये देश के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में ये पूछा जाएगा, जीतों के मेंबर हो, जीतों के एमसीपी हो, आपके घर पे आप एसोसिएशन बना लीजिए, मंडल बना लीजिए, संस्थाएं बना लीजिए, लेकिन राष्ट्र की यूनाइटेड पहचान बिना जीतों के मिल नहीं सकती। अगर आप जाएंगे हांगकांग, जाएंगे जर्मनी, जाएंगे जापान, जाएंगे कहीं भी यूएस, जीतों का मेंबर बनना एक अपने आप में एक अलग, ऊपर से नीचे तक देखेगा आदमी आप, जीतों के एफसीपी हैं, जीतों के जेएटीएफ हैं, जीतों के मेंबर हैं। इट मींस कि वो आदमी त्याग करने के लिए आगे आया है। आज हम 11 लाख रुपए की अगर किसी से डिमांड करते हैं, हमको नहीं चाहिए आपका पैसा, एक सिंगल पैसा ये पदाधिकारी उसको खर्च नहीं कर सकता, संविधान बन गया है। वो रुपया आपकी मेंबरशिप का केवल फिक्स डिपॉजिट होगा, कॉर्पोरेट होगा, उस पैसे के ब्याज से हजारों साल तक जीतो अपनी रणनीतियां बनाएगा, एकीकृत सचिवालय चलाएगा, जो जो समस्या जनों के सामने आएगी उसे अटेंड करेगा और क्रियान्वयन करेगा। वो पैसा केवल उस काम में आ रहा है। आज 1 अरब रुपया जीतों में मेंबरशिप के रूप में आ चुका है, ये जेएटीएफ नहीं, ये दूसरे कामों के और सैकड़ों करोड़ तो नहीं कह सकता, 4 करोड़ है, लेकिन ये जो मेंबरशिप के रूप में लगभग 100 करोड़ के आसपास जो रुपया आया है वो केवल इसलिए आया है कि हम इसको जीतों को चलाना चाहते हैं, ये रुपया आपका खर्च नहीं होगा। तो बंधुओं जिनसे 11 लाख मानते थे कि उनके विशेष अधिकार भी बहुत है, कभी बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन वो हम इसलिए, लेकिन हम ये नहीं कहते, हम केवल ये कहते हैं कि 11 लाख हम आपसे किस लिए मांगते हैं, परमात्मा की लक्ष्मी की अपूर्व कृपा हुई है, परमात्मा की एक और कृपा भी जैनिज्म में जन्म मिला है, तो आप ज्यादा त्याग कर सकते तो आप ज्यादा करें, अगर आप पैटर्न बनते हैं तो सोचने की बात, ऐसा नहीं करें
जब त्याग का प्रश्न आता है, ऐसी संस्थाओं के सृजन का प्रश्न आता है, इतिहास बनाने का प्रश्न आता है, जब नींव के पत्थर बनने का प्रश्न आता है, तो थोड़ी संकुचा छोड़नी पड़ती है। और हमारे यहाँ तो त्याग की पूजा होती है, त्याग को तब कहा गया। तो बंधुओं, जब 1.5 करोड़ 10-10 करोड़ बिना भाई बहन को पूछे हुए लोगों ने दे दिया, तो हम आपसे केवल एफसीपी के रूप में 11 लाख मांगने आए हैं, पैटर्न के रूप में 1 लाख आए, वो भी मेरे लिए नहीं, मंच के लिए नहीं, केवल एक ऐसे कॉर्पस फंड के लिए। तो बंधुओं, आप आ रही है, बहुत सुना आपने, लेकिन जिन बंधुओं ने सहमति दी है, मैं उन बंधुओं के एफसीपी के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे सम्मान नहीं होता, लेकिन अगर कोई तन मन धन से कमाए हुए पैसे को त्याग के लिए समाज को समर्पित और न्यौछावर करता है, तो एक बार लंबी ताली देते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो अभी ही जिस समय मैं नाम उच्चारित करूं, अभिव्यक्त करूं, आपके कानों में पहुंचे कि वो ऐसे कौन सा सुयोग्य परिवार है, ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली परिवार है कि जिन परिवार के बंधुओं ने अपनी सहमति सच्चे सात्विक कार्य के लिए दी है, प्रेरणामय कार्य के लिए, मॉरल के कार्य के लिए, नैतिकता के लिए, समाज को ऊंचा लाने के लिए, हमारे भावी आने वाली पीढ़ियों के सपनों को पूरा करने के लिए दिए है, उनका नाम जब पुकारूं उस समय एक बार 5 नाम पुकारूंगा, तब तक कोई ताली नहीं बजाएंगे। जब पैटर्न के जब मैं एफसीपी के टोटल नाम पुकारूंगा, एक और नाम देखिए बंधुओं, इसका नाम जय समाज जीतो है। अब तक जो नाम आए उसी बीच में अभी तक मैं नाम पुकारने की श्रृंखला शुरू नहीं हुई, उसी पहले से एक और इशारा आ गया कि हमें भी एफसीपी 11 लाख रुपए देना है, इसमें मेरा नाम भी साथ में जोड़ करके पढ़ा जाए, इसी का नाम जीतो है। अद्भुत, बहुत बधाई। और ये वो कौन सा परिवार है बंधुओं, जब जीतो बना तब उसके जन्म काल के अंदर जो एफसीपी बना पूना की, जैसे आज मैं कहता हूं कि कोयंबटूर में कौन लोग जीतो के नींव के पत्थर बने, ठीक इसी प्रकार जब पूना में हमारा जीतो बना, उस समय वो नींव के पत्थर बने वो परिवार, और आज इतने बड़े काम कर पाए। अगर वो लोग नहीं मेंबर बने होते तो शायद हम ये अच्छे काम नहीं कर पाते, हम सपना नहीं दिखा पाते और सपना पूरा करने का मॉड्यूल नहीं दिखा पाते। तो वो परिवार बाबूलाल जी मंडोत के यशस्वी सौभाग्यशाली सुपुत्र यहाँ मौजूद है, पूना में वो हमारे एफसीपी है, और अभी मेरे नाम उच्चारण से पहले उनकी उंगली आ गई मेरी तरफ के मेरा नाम भी इसी तरीके से निकले होना चाहिए। संपूर्ण समर्पण आज जिसे कहना चाहिए, खुशी के साथ आपको धन्यवाद, आपका नाम मेरे सामने पुकारूंगा। अच्छा, आप ये बंधुओं में नाम पुकारूंगा, आप कृपया ताली नहीं बजाएंगे, ताली जब मैं 6 ही नाम, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, कुछ बातें आपसे पार्टी जाती है उसमें समय लेगा, अगर वो मेरा भी अगर वो जिसे कहना चाहिए अगर बायोडाटा पढ़ते तो शायद और 10 मिनट कम हो जाते, तो मैंने रोक दिया, मुझे धन्यवाद देना आप मीटिंग के बाद। चलिए, अब मैं इस श्रृंखला में नाम पुकारना चाहता हूँ एक यशस्वी परिवार, संपूर्ण देश कोयंबटूर के सामाजिक क्षेत्र में बहुत जिसे कहने अच्छे रूप में उस परिवार की तरफ देखता है, और जब कभी भी समाज को पैसे की जरूरत है, अगर वो अच्छा कार्य है, वो परिवार आगे बढ़ सकते आता है। बंधुओं, उस परिवार के यशस्वी नायक का नाम पुकारना चाहूंगा, आदरणीय परम आदरणीय बालचंद जी शाह भोतरा की ताली, एक साथ बजाएंगे थोड़ी लंबी ताली, छोटी ताली से हमारे रोग नहीं मिटेंगे, कहते ना अच्छी खुल करके ताली जब बजाते हैं एकदम जोश में तो आधे रोग तो वैसे ही भाग जाते हैं, हम वैसे ही ताली बजाएंगे आपसे। तो सेकंड नंबर में नाम आता है इसी श्रृंखला के अंदर एक अद्भुत नाम, एक उत्तरवर समाज सेवी सम्मानीय बाबूलाल जी शाह बाद, ये मैं नाम उनके पुकार रहा हूं बंधुओं, जिन्होंने 11 लाख से एफसीपी बनने की फाउंडर की पैटर्न फाउंडर नींव के पत्थर बनने के लिए जिन्होंने त्याग किया है अपनी लक्ष्मी का, उनके नाम पुकार रहा हूं। बालचंद जी बाबूलाल जी शाह पादरेचा। नंबर 3 में सम्मानीय एक और युवा शक्ति जो प्रोफेशनल के माध्यम से अपने जीवन को बनाते हैं, लेकिन आज सेवा के माध्यम से अर्पण करने का उन्होंने मानस बनाया है, वो आपके आगामी आने वाले भविष्य की शाखाओं के संवाहक बनाना चाहते हैं, एक विनम्र कार्यकर्ता जिन्होंने दायित्व ग्रहण करने का ये उत्सव के रूप में आप लोगों को बुलाया है, उनका नाम पुकारना चाहता हूँ, सम्मानीय कैलाश जी चैन। नंबर 4 इसी श्रृंखला में बाफना परिवार की सुबह क्या छवि है, कोई उनका नाम आते ही बाफनाओं का नाम आता है, और अगर वो बाफना परिवार का नाम नहीं आए तो सब कुछ अधूरा बन रहेगा ना, निश्चित रूप से उसी श्रृंखला के अंदर एक और नाम पुकारता हूँ, सम्मानीय रमेश जी बाफना। उन्होंने एफसीपी बनने के लिए देखिए बंधुओं, में एक बात और कह देता हूँ आपको, मैं ये नाम पुकार रहा हूँ लेकिन अगर आस पास में कोई यशस्वी नायक बैठा है, परमात्मा की दिव्यगणित कृपा उनके साथ हुई है, उसमें से हमारी कई लेडीज बंधुओं से भी निवेदन है,
पति को पूछने की जरूरत नहीं, आजकल तो यशस्वी सहभागिता है आदि आदि। अगर आपको भी लगता है कि हमारे कोई कारण से घर के जिसे कहना चाहिए मेरे सहयोगी जिसे कहना चाहिए नहीं पधार पाए, आप सहमत हैं? कोई दिक्कत नहीं, ऐसी संस्थाओं के अंदर हजारों हजार काम ऐसे हुए हैं। और अगर कोई बंधु पास में बैठा है वो सौभाग्यशाली है, लक्ष्मी का मालिक है, जिसे अचीवर हुआ है, पैसा है, तो उनको भी आप कहते हैं भैया तेरा नाम नहीं पुकारा जा रहा है, तुमको जाना तो पड़ेगा ना। और अपने जैन समाज में थोड़ा सा कहा गया है कि मनोवार करनी पड़ती है हल्की सी, तो उस रूप में भी अगर कोई बंधु आस पास बैठा हो और वो सक्षम हो और वो चाहता है कि राष्ट्र की इस मुख्य धारा से जुड़े, देश के अनमोल व्यक्तियों के अंदर अपना नाम दर्ज कर, मैंने आपको कह दिया है एक भी बड़ा नाम इस देश में ऐसा नहीं है जो अपने क्षेत्र का बड़ा है और उसने नाम नहीं जुड़ा। तो बंधुओं जुड़वाने के लिए आगे आए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी श्रृंखला में मैं नंबर 5 पे नाम पुकारना चाहता हूं, परवीन जी एम जैन। और एक श्रृंखला में जो नाम मेरे बोलते बोलते आ गया, मुझे बहुत खुशी प्रसन्नता आराध कृतज्ञता और आभार आपका। एक और नाम आया है सम्मानीय युवा शक्ति के प्रति, सहज और स्वाधीनता के प्रति, श्रीमान सम्मानीय विनोद जी मंडोत, जिन्हें मैं पूना के रूप में कह रहा था। अब आए, मेरी कुछ नजरें कुछ बंधुओं को खोज रही है, बंधु वो भी इस देश कोयंबटूर के शीर्ष है, वो भी आए आगे क्योंकि समाज चाहता है कि आप यहाँ होने चाहिए, इस जगह में होने चाहिए, जब पूरा राष्ट्र आ गया तो आप क्यों नहीं है। तो वैसे भी कोई बंधु मन में महसूस नहीं करें, ऐसी अद्वितीय जिसे घड़ी आती है सो सराता है, तो आगे आए, अब बारी है आपकी। अब बारी है आपकी, ये जो टीम मेरे ख्याल से मैंने एक कार्ड देखा था वहां पर, मैं पढ़ नहीं पाया पिछले 10 दिन से जीतों के कार्यक्रमों में देश बाहर था, लेकिन मैंने एक कार्ड पे नजर डाली बैठते ही, उसमें लिखा था मेंटर बालचंदी शाह बोथरा एंड इंद्रचंदी शाह कोठारी। तो बंधुओं मैं तो मेरे मुंह से कभी जीवन में कहता नहीं, लेकिन अगर आपका इशारा है और उनकी गर्दन अगर यश में है तो डेफिनेटली उस नाम के बिना तो यह सूची अधूरी है। यश बजाए जोरदार ताली, आदरणीय सम्मानीय इंद्रचंदी शाह कोठारी ने अपनी सेवा दी और सभी ताली एक ही हाथ में दी। ऐसे ही मेरे बंधुओं जो कोर्ट का कार्यक्रम से जुड़े कदम नहीं बना, लेकिन वो नमी और नमी बजाए ताली जोर से ताली बजाए, अनुमोद ना करें जीवन में ना करें। देखिए जैन समाज में जो कराता है वो मान्य माना जाता है, उनकी अभिनंदना होती है, अभिनंदन होता है जो कराता है। मैंने कहा ना आसपास में कोई योग्य बंधु बैठा है, उन्हें आग्रह करें बनाए, उनकी अनुमोदना होती है। और जो खुल करके ताली बजाते हैं क्योंकि इनका उत्साह बढ़ाते हैं, इन्होंने पैसा दिया सही कार्य के लिए, उनकी भी अनुमोदना होती है। और बंधुओं जो आपके पास है वो आपका नहीं है, जो आपने दे दिया वही आपका है, तब तक वो आपका था ही नहीं। आज आपके पास है, खुशी मत करिए, ये अच्छे कार्य के लिए आप 8 योनि में नया जन्म लेंगे ना, तब भी हमारे इस कॉर्पोरेट फंड से जो पुण्यशाली काम होगा वो पुण्य आपका पीछा करेगा, वो आएगा कि आपके जीवन पैसे से अच्छा काम हो रहा है तो ये पुण्य आपके खाते में, वहां 8 योनि के बाद कोई दूसरा जन्म लेंगे तब भी कुछ करेगा, ये ऐसी पावन कल्पना है। तो जो अनुमोदना करता है उत्साह बढ़ाता है, नाम आगे लाने में मदद करता है, उनकी भी अनुमोदना है। एक बार पुनः जोर आ